नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज, मैं हूं रुपेंद्र। भगवानगंज की फरीदाबाद कॉलोनी में खाली पड़े हजारों गज जमीन और पहाड़ी पर नगर निगम की उदासीनता से हुए अतिक्रमण को मंगलवार को कार्यवाहक मजिस्ट्रेट अनीता चौधरी और कमिश्नर बजरंग सिंह चौहान सहित अतिक्रमण रोधी दस्ते के प्रभारी सत्यनारायण बोहरा और प्रहलाद भार्गव ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर निर्माणाधीन 6 मकान और मंदिर को जमीन दोज कर दिया। जो अतिक्रमण की है सारी हमने ड्यू प्रोसेस की है, पहले नोटिस दिए हैं। जो अतिक्रमित है, निगम की जमीन थी उस पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसमें एक हमारा ही कर्मचारी है जिसको पहले नोटिस दे दिए गए थे, उसके द्वारा नहीं हटाया गया। तो बिना किसी पक्षपात के निगम ने आज सारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। तो जमीन पे कब्जे हो रहे थे छोटे मोटे, वो हमने खाली करवा ली। अब उसका ऑक्शन हम करेंगे। पहले लोगों ने ऑक्शन का विरोध किया था, अभी हम 15 दिन में अखबार में निविदा निकाल रहे हैं और उसके बाद उसका ऑक्शन किया जाएगा। नगर निगम और स्थानीय पार्षदों के आश्वासन के बाद निगम में सफाई कर्मचारी सिकंदर के निर्माणाधीन आलीशान मकान को जेसीबी ने मिनटों में जमीन दिखा दी। सिकंदर ने बताया कि पार्षद जिया देवी गुर्जर के बेटे राजू गुर्जर और पार्षद सुनील केन के आश्वासन के बाद उसने 10 लाख रुपए लगाकर मकान निर्माण शुरू करवा दिया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान मिले नियमन के आश्वासन के बाद उसने अपने परिवार को बसाने के लिए निर्माण कराया, लेकिन उसे क्या पता था कि प्रशासन के आश्वासन सिर्फ आश्वासन होते हैं, गरीब का कोई नहीं होता। मैं नगर निगम का कर्मचारी हूँ, दुहार लगाने के लिए गया था अफसरों के पास। मैं कहा साहब नियम अनुसार मेरे को समय दिया जाए, मैं राशि भुगतान भरने को ये गुना मेरे से हुआ और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इसकी राशि भुगतने को तैयार हूँ, कृपा करके मुझे नियमन किया जाए। लेकिन उसके बाद मेरे को सीओ साहब ने कल ये आश्वासन दिया कि 10 दिन का समय और आपको दिया जाता है, आपके साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। तो मैं निश्चिंत हो गया, पैसों के बंदोबस्त में लगा। मैंने कहा कहीं से पैसे उठा करके मकान बनाया तो इस मकान को नियमन भी कराऊंगा, लेकिन उसके बावजूद सुबेरे अचानक ये दस्ता आके मकान को पूरा ध्वस्त कर दिया। जिस वक्त अतिक्रमण ध्वस्त किए जा रहे थे, पार्षद चवन टोनी मौके पर पहुंच गए और साथियों को बुलाने के लिए फोन करने लगे, लेकिन कमिश्नर ने उनकी एक नहीं सुनी। टोनी ने बताया कि एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गरीबों को आशियाने बनाकर देने की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी के ही मेयर गरीबों के आशियाने उजाड़ रहे हैं। इसके अंदर सबसे जो ज़्यादा अगर माना जाए तो सरासर निगम की गलती है। निगम की गलती ये है कि एक और तो हमारा मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए पक्के मकान बनाकर देना चाहते हैं, और यहाँ के जो नगर निगम की सीओ है, वो सीओ ने इतनी धर्म वो कर रखी है कि एक सफाई कर्मचारी है जो कि नगर निगम का एक कर्मचारी है, उसने मात्र बरसों से मकान पे यहाँ पे रहता रहा काबिज है। उसके बावजूद अभी कुछ दिन पहले उसने एक बरामदा खड़ा किया और एक कमरा बना लिया, उसके अंदर उसको तोड़ने की पूरी कार्रवाई करा दी। और होना यह चाहिए कि अगले आदमी ने यह कह दिया कि भाई मेरा प्लॉट जो है उसके पास में जो रेट आई है ऑक्शन की, उस रेट से मैं इस प्लॉट का नियमन कराना चाहता हूँ। वो रेट अगर ली जाती है उससे तो उसका 10 लाख रुपए का जो नुकसान है वो नहीं होता। ये गरीब आदमी है, इसका नुकसान सरासर गलत किया है।